हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन नंबर 10, द सर्मन एट बनारस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। सो आर यू रेडी? लिसन दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के वीडियोज, लिटरेचर और ग्रामर के मिलते रहें। तो आइए मैं आपको द सर्मन एट बनारस को एक्सप्लेन किए देता हूँ। टाइटल है द सर्मन एट बनारस, यानी कि बनारस में प्रवचन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। एक्टिविटी, क्रियाकलाप। यूज ए डिक्शनरी आर आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप। जब आप निम्नलिखित क्वेश्चंस को ग्रुप में डिस्कस करें तो आप डिक्शनरी का प्रयोग करें, शब्दकोश का प्रयोग करें और अपने टीचर से भी हेल्प लें। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर दो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सरमन? प्रवचन क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर आर ए टॉक? क्या यह किसी व्याख्यान या बातचीत से अलग होता है? कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज इन निगेटिव वे आर एज ए जोक, एज इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम? क्या आप इस शब्द को नकारात्मक तरीके से भी ले सकते हैं या मजाक के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी मुझे प्रवचन देती हैं कि सही समय पर होमवर्क करो या सही समय पर वर्क करो। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और फ्रेजेस दिए गए हैं जिनकी मीनिंग फाइंड आउट करो। जैसे वर्ड्स क्या हैं? अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित होना। बी कंपोज्ड, बी कंपोज्ड मीन्स होता है शांत होना। डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है एकांत होना या छत विछत होना। लेमेंटेशन का मतलब होता है रोना या विलाप करना। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब मेहनत से प्राप्त करना। बी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है विषय होना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हैव यू हियर्ड ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट? क्या आपने पहाड़ या टीले पर प्रवचन होते हुए सुना है? हु डिलीवर्ड इट? कौन इसे डिलीवर करता था? ये प्रवचन कौन देता था? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सर्मन एट बनारस? आपके अनुसार बनारस में प्रवचन कौन देता है? तो इस तरह से तीन क्वेश्चन हो गया। अब आइए आगे। गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC, ये उनका कार्यकाल रहा है। 483 में जन्म हुआ था, 563 तक मृत्यु हुई थी। बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में किया था, नाम सिद्धार्थ गौतम था, उत्तर भारत में। एट 12, 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 साल की उम्र में उनको स्कूल भेज दिया गया हिंदू धर्म के पवित्र लिपि को सीखने के लिए। एंड 4 ईयर्स लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। वो एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर लौट आए। दे हैड ए सन, उनके एक पुत्र भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उन्होंने 10 साल का लाभकारी शाही जीवन अपने महल में बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की उम्र में, द प्रिंस हियरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड
वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन देन एन एज मैन देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की उम्र में राजकुमार को ज्ञात हुआ या राजकुमार को मालूमात हुई। हेयरटोफोर शील्डेड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना या मालूमात होना। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की पीड़ा की जानकारी इनको हुई। और कब हुई? वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन देन एन एज मैन देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली मांग बेगिंग फॉर एल्म्स। जब ये बाहर शिकार के लिए गए थे तो इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक इंसान का की शव यात्रा जा रही थी उसको देखा, और अंत में उन्होंने एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देखा। फिर क्या होता है? दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सारोज ही हैड विटनेस्ड। इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया, इतना परिवर्तित किया कि वो तुरंत ही बाहर की दुनिया में निकल गए, बाहर के संसार में निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जिन चीज़ों को उन्होंने, जिन दुखों को उन्होंने देखा था उसको समझने के लिए वो निकल गए कि ऐसे दुख होते क्यों हैं। ही वेंडेड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और वो वहीं पर रुके रहे जब तक उन्हें ज्ञान मिल नहीं गया। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, यानी ज्ञान का पेड़ रख दिया। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने अपनी नई समझदारी को बांटना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड आर एनलाइटेंड। उस समय उनको बुद्ध के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है जागरूक या फिर ज्ञानी। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस। बुद्ध जी ने सबसे पहले अपना प्रवचन बनारस शहर में दिया था। ये बहुत ही पवित्र नगरी है, जहाँ पर रिवर गंगा है, लोग वहाँ डुबकी लगाते हैं। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उस सर्मन को सुरक्षित रखा गया। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ पर बुद्ध जी ने एक विशेष प्रकार की परेशानी के बारे में उपदेश दिया था, और नीचे उसको मेंशन किया जा रहा है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी के पास एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। अपने दुख में वो मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसियों के पास ले गई, उनसे दवाएं मांगने लगी, और लोगों ने कहा कि वो अपना सेंस खो चुकी है, पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन, काफ़ी दूर कीसा गौतमी की मुलाकात एक इंसान से हुई। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर दिया, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या बोला वो? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो ये कर सकता है।
एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर, हु इज इट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, आप मुझे बता दीजिए वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा, तुम शाक्यमुनि के पास या बुद्ध के पास चली जाओ। ईसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, ईसा गौतमी सीधे बुद्धा के पास गई और रोती हुई बोली, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, हे स्वामी, हे मालिक, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा लड़का ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए या एक मुट्ठी सरसों चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रामिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने खुशी से इस वचन को पूरा करने का वादा दिया, द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्राम ए हाउस वेयर नो वन हैज लास्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, सरसों तुम्हें उस घर से लाना है जहाँ पर कोई बच्चा नहीं खोया है, मतलब मरा है, या कोई पति न मरा हो, या फिर कोई माता पिता या मित्र। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्राम हाउस टू हाउस, बेचारी कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई, एंड द पीपल पिटाइड हर एंड सेड, और लोगों ने उसके ऊपर दया किया और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों, टेक इट, इसे ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन आर डाटर ए फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में एक पुत्र या पुत्री या पिता या माँ कोई मरा तो नहीं है। दे आंसर्ड हर, एलास, उन्होंने दुख वाली मुद्रा में उत्तर दिया, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो कुछ ही लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए बहुत से लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे से गहरे दुखों को याद मत दिलाओ, उन लोगों ने कीसा से कहा। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलर्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर कोई प्रिय मरा ना हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, कीसा गौतमी बहुत थक गई और निराश हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेस्टिंग आइज अगेन, और वो सड़क के किनारे बैठ गई और सिटी की लाइट देखने लगी, और वो लाइट कभी लपलपाती थी, फिर कभी फिर बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, अंत में जो है रात के अंधेरे ने सब जगह शासन किया। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और वो इंसान के भाग्य को जान गई, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, वो ये समझ गई कि इंसान की ज़िंदगी किसी रोशनी की तरह लपलपाती है और फिर बुझ जाती है। एंड सी थाट ऑफ हर सेल्फ, और वो स्वयं सोचती गई, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबकी कॉमन है, यानी मृत्यु सबको एक जैसी होनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज ए पथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, कह रहे हैं इस निर्जन घाटी में एक रास्ता ऐसा है जो अमरता की तरफ जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया हो। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, इस संसार में मरणशील प्राणियों का जो जीवन है वो परेशानी से भरा होता है, जीवन छोटा होता है और इसमें दर्द भरा होता है। फार देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका जन्म हो गया हो और वो मरने से बच जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बुढ़ापा वाली उम्र में पहुंचने के बाद फिर मौत आ जाती है। आप सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही जीवित व्यक्तियों का नेचर होता है। एज रिप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह पके हुए फल
को किसी भी समय गिरने का खतरा होता है। सो मार्टर्स वेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए हर मरणशील प्राणी जब पैदा होता है उसे मौत का खतरा होता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाई द पॉटर एंड इन बींग ब्रोकन, जो मिट्टी के घड़े होते हैं जिनको कुम्हार बनाता है अंत में वो टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मार्टल्स, ऐसा ही मनुष्य का जीवन होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, कह रहे हैं जवान हो या एडल्ट, छोटे हो या एडल्ट, बड़े हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, कह रहे हैं मूर्ख हो या फिर बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, सभी को मौत अपने मौत सभी की मौत आ जाती है, सब मौत की शक्ति सभी को मार डालती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मौत के विषय होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिनकी मौत हो जाती है वो जीवन से स्वतंत्र हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बेटे को बचा नहीं सकता। नॉर किंग्समैन देयर रिलेशंस, ना ही राजा अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क सुनो, वायर रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब रिश्तेदार एक व्यक्ति की मौत पर देखते रहते हैं और बहुत गहराई से रोते रहते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके मरणशील इंसान मरते रहते हैं। लाइक एन आग दैट इज लेट टू स्लॉटर, जैसे एक एक करके बैल की बलि दे दी जाती है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसी तरह से संसार जो है मौत और विनाश से जुड़ा हुआ है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए बुद्धिमान आदमी को दुख नहीं होता। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार का विधान जानते हैं। नॉट फ्रॉम वेपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति ना तो रोने से ना तो दुख करने से मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द तो बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसके शरीर को पीड़ा होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, फिर भी उसके विलाप करने से मरा हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जो व्यक्ति को शांति चाहिए होती है वो विलाप का और शिकायत का और दुख का तीर अपने शरीर से निकाल लेता है। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो आदमी इन तीरों को निकाल लेता है उसे शांति मिल जाती है और मानसिक शांति मिल जाती है। ही हु हैज ओवरकम ऑल सारो विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड, वह व्यक्ति जो सारे दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वह जो है दुख से मुक्ति पा जाता है और भगवान का आशीर्वाद उसको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका समाप्त हो गया, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे लाइक करिएगा, इस पर आप अपना कमेंट करिएगा, और इसे आप शेयर भी करिएगा क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स को। मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।